फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर अभद्र टिप्पणी की और जवाब में अमेरिका ने दोनों देशों के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता रद्द कर दी है। अपमानजनक टिप्पणी पर बढ़ता विवाद देख राष्ट्रपति दुर्तेते ने ओबामा से माफी मांगी और अपने बयान पर खेद जताया। बताया जा रहा है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति दुर्तेते ने ओबामा को अपशब्द कहे थे। ओबामा के लिए अभद्र टिप्पणी करते हुए दुर्तेते ने कहा था कि ओबामा जब उनसे लाओस में मिले तो मानवाधिकार के मुद्दे पर लेक्चर ना दें। फिलीपींस एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी मालिक केवल फिलीपींस की जनता है और कोई नहीं। हालांकि राष्ट्रपति ओबामा से दुर्तेते की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इसे दुर्तेते का कलरफुल स्टेटमेंट कहकर टाल दिया और फिलीपींस को अमेरिका का करीबी दोस्त बताया। आपको बता दें कि दुर्तेते मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ अपने अभियान को लेकर विवादों में हैं। उन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वह 6 महीने में 1,00,000 ड्रग अपराधियों को खत्म करेंगे। ड्रग तस्करी के आरोप में रोड्रिगो फिलहाल 2400 लोगों को सजाए मौत दे चुके हैं, जिसका पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है और अमेरिकी राजनयिकों ने भी इस मसले को लेकर मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताएं जाहिर की हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति का बराक ओबामा पर इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना बेहद चौंकाने वाला है। भले ही दुर्तेते ने माफी मांग ली हो, पर अमेरिका इतनी आसानी से बात को भूलने वालों में से नहीं। देखते रहिए टीवी लाइव।